ये टैब भी मिल जाएगी एप्पल की, आप देख सकते हैं, ठीक है, एप्पल की मिलेगी। माता जी कितने की मिलेगी ये? दी जाएंगे देखो। और भाई हमें यहाँ पर इस तरह के फ़ोन देखने को मिले, फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन पता करते हैं किस किस प्राइस के। भाई जी किस किस प्राइस के रहेंगे फ़ोन जी? यहाँ पे आपको भैया इस तरह का LED भी मिल जाएगा, ठीक है, सोनी कंपनी का है, ठीक है, मतलब 32 इंच का है, सोनी कंपनी का, ठीक है, चालू है। तो मतलब ये तो गाड़ी में लगता है वो है ना, ये कितने का है भाई? आपको यहाँ पे इस तरह गीजर ही मिल जाएगा, ठीक है, पानी का। भैया कितने का पड़ेगा इस तरह भैया? सही से कितने लग जाएगा लास्ट? और ये भैया यहाँ पे आपको ट्रिम भी मिल जाएगी। ये ट्रिमर कितने देंगे? 100 रुपये की। ये कितने की देंगे? ये गाड़ी में लगता है ना, माउस है ना उसका गाड़ी का जी? भाई गाड़ी में लग जाएगा भैया जी। टोस्टर कितने पड़ेगा? 100 रुपये का। और भाई यहाँ आपको इस तरह का ढोलक मिल जाएगा, ढोलक पता करते हैं, ठीक है बहन जी, ढोलक कितने पड़ेगा? ढोलक ठीक है, इस हालत में रहेगा, बजा के देख लेते हैं ढोलक। तो बहन जी ये म्यूजिक सिस्टम कितने पड़ेंगे सोनी का? म्यूजिक सिस्टम नहीं, और ये पूरा मिलेगा सिस्टम, ठीक है, सोनी का, जिसमें कुछ बार्गेनिंग भी कर लेंगे, ठीक है ये देखो। और भाई आपको यहाँ पे गिटार ही मिल जाएगा, माता जी से पता करते हैं, माता जी कितने का रहेगा गिटार जी? काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई, चालू भी है इसमें, देखो ये लगा सारे तार टूट भी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा ये टच कितनी रहेगी माता जी? और भाई यहाँ हमें इस तरह कैमरा देखने को मिला जो काफ़ी यूनिक है, बहुत पहले चला करता था। भैया से पता करते हैं किस प्राइस का मिलेगा, सोनी कंपनी का कैमरा है। भैया जी कितने का रहेगा ये कैमरा? और भाई यहाँ आपको माइक्रोवेव भी मिल जाएगा, पता करते हैं। बहन जी कितने पड़ेगा माइक्रोवेव? और भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें वीडियो गेम देखने को मिली, ठीक है, इस तरह का ये मिले कैम। और भाई यहाँ देखो, यहाँ आपको पंखा मिल जाएगा, पंखा पता करते हैं। भैया पंखा कितने देंगे? और ये भैया सिलेंडर भी रखा हुआ है, भैया सिलेंडर कितने पड़ेगा ये? बहुत महंगी होगी, 200 रुपये का है। भाई यहाँ आपको इस तरह का बाजा मिल जाएगा, भैया बाजा पता करते हैं। भैया जी बाजा कितने मिलेगा? ये साड़ियाँ भी, सूट भी, भैया जी कितने की साड़ियाँ हैं? 60 रुपये की साड़ी। अच्छा 60 रुपये के अंदर आपको साड़ियाँ मिल जाएगी। भैया सूट भी आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, देखो इस तरह का। और भाई यहाँ पे आपको शूज़ मिल जाएंगे एक ही लाइन के अंदर, भैया शूज़ की बहुत सारी दुकान है यहाँ पता करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको एक बार दोबारा लेके आ गया भाई रघुवीर नगर। कारण ये है भाई, यहाँ पर एक मशहूर पटरी मार्केट लगती है जो कि चोर बाजार के नाम से जानी जाती है, पर भाई ये चोर बाजार नहीं है भाई, ये वीकली मार्केट है जो कि संडे को लगती है भाई। मार्केट लगने का समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक है, आप इस बीच कभी भी आ सकते हैं। और सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको टैग रोड में पड़ेगा और मादीपुर पड़ेगा, आप किसी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई। इस मार्केट की सबसे बड़ी पहचान है कि घोड़ेला मंदिर, भाई पूरी दिल्ली में मशहूर है, आप जब आएंगे ई रिक्शा तो घोड़ेला मंदिर बता देना, ठीक है। तो चलो यहाँ से मार्केट शुरू होते हैं, यहाँ से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। भाई यहाँ शुरू में आपको इस तरह के कपड़े देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, नए पुराने दोनों मिलते हैं यहाँ पे सामान, ठीक है, कपड़े भी नए मिलते हैं, पुराने भी मिलते हैं, वो आपकी इच्छा, आपको क्या लेना है। तो भैया इस तरह का मॉल है, सुबह चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इस तरफ चलते हैं भाई, आपको यहाँ पे इस तरह गीजर ही मिल जाएगा, ठीक है, पानी का। भैया कितने का पड़ेगा ये? 2000 का पड़ेगा। तो भैया चालू रहेगा भैया? तो भैया ये गीजर मिल जाएगा यहाँ पे आपको 2000 रुपये का, ठीक है। और ही भैया के पास बहुत सी चीज़ें, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो इस तरह माइक मिल जाएगा, ये देखो बच्चों के खेलने लगा। भैया ये कितने पड़ेंगे माइक? ये 300 रुपये का पड़ेगा। 300 रुपये भैया सही से कितने लग जाएगा लास्ट? 200 रुपये लग जाएगा। तो ये 200 रुपये लग जाएगा। भैया स्केट्स में काम आते हैं ना बच्चों के, ये कितने पड़ेंगे भैया बच्चों का? 150 रुपये सेट। तो भैया 150 रुपये सेट बता रहे हैं भैया। ये क्या चीज़ है बच्चों के खेलने का, ये कितने पड़ेगा? 100 रुपये। ये अच्छा कैमरा भी रखते हैं भैया। भैया कैमरे किसके सेट के? 100-150। अच्छा 100 रुपये का है? 100 रुपये बता रहे हैं भैया, ठीक है। ये भी भैया 100 रुपये का रहेगा। अच्छा भैया चालू होते हैं या डेड होते हैं? चालू होते हैं भाई, डेड भी होते हैं, चालू भी। अच्छा चालू भी होते हैं और डेड भी होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं भैया। भैया बता रहे हैं चालू भी होते हैं और डेड भी होते हैं, ठीक है। और ये भैया यहाँ पे आपको ट्रिम भी मिलेगी। भैया ट्रिमर कितने देंगे? 100 रुपये की। तो भैया यहाँ पे आपको ये ट्रिम मिल जाएगी 100 रुपये की, ठीक है, कंपनी आप देख सकते हैं, ये कंपनी रहेगी, ठीक है। और देखते हैं भैया ये गाड़ी वाला ही बेच रहे हैं। भैया जी कितने की देगी? कितने रहेगा भैया जी? 300 रुपये। ये गाड़ी में लगता है ना, माउस है ना उसका गाड़ी का जी? भाई गाड़ी में लगते हैं भैया, 300 रुपये बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह की आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी और ये बहुत सी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये टोस्टर वाला मिल जाएगा भैया जी। टोस्टर वाला कितना पड़ेगा? 100 रुपये का। तो भैया ये टोस्टर बनाने भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 रुपये का, ठीक है। यहाँ एक भैया जी एक फ़ोन भी रखते हैं, फ़ोन भी देख पता कर लेते हैं। भैया जी फ़ोन किस किस रेट के पड़ेंगे? 400-500। 400-500 रुपये पड़ेंगे। भैया चालू रहते हैं? चालू भी होते
अच्छा ये देखो चालू भी है भैया, ये कितने पड़ेगा? 400 रुपए के आसपास ही आपको मिल जाएगा भैया। कुछ कमी हो जाता है इसमें या फाइनल है? अच्छा ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा ये ब्लैक बोर्ड है ना भैया जी? अच्छा उसका है भैया जी, ब्लैक बोर्ड कितना पड़ेगा? 400 रुपए। भैया मुस्कुरा रहे भैया जी, कुछ कम हो जाएगा 400 में फाइनल? 150-200 कम भी हो जाता है, 150-200 रुपए भी कम हो जाता है। ठीक है भैया बता रहे हैं। अच्छा जो मांगोगे वो नहीं मिलता, उसे कम करना पड़ता है, कम हो जाता है। तो भैया बार्गेनिंग भी हो जाती है जब आप आएंगे हमारे। भैया जी अच्छा लगा वैसे मिलके, हाथ मिलाओ, अच्छा लगा। और आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है इस मार्केट में। और भाई यहाँ आपको इस तरह का ढोलक मिल जाएगा, ढोलक पता करते हैं। ठीक है बहन जी, ढोलक कितने पड़ेगा? 700 रुपये का। तो ये बहन जी देंगी 700 रुपये का ढोलक। ठीक है इस हालत में रहेगा, बजा के देख लेते हैं ढोलक। तो ये ढोलक है जो कि 700 में देगा, और बहुत सी चीज़ें, ये म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएंगे। बहन जी ये म्यूजिक सिस्टम कितने पड़ेंगे सोनी का म्यूजिक सिस्टम? 5000 का बता रहे हैं। तो ये 5000 का बता रहे हैं और ये पूरा मिलेगा सिस्टम। ठीक है सोनी का, जिसमें कुछ बार्गेनिंग भी कर लेंगे। ठीक है ये देखो ये पूरा सिस्टम मिलेगा 5000 रुपये का। ठीक है और देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है भाई यहाँ पर। ये वेट मशीन ही मिल जाएगी। ठीक है बहन जी वेट मशीन कितने देंगे आप? वेट मशीन 100 रुपये की। तो ये 100 रुपये की वेट मशीन रहेगी। ठीक है इस तरह की। तो और देखते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है इस मार्केट के अंदर। और तो भाई यहाँ पे आपको भी इस तरह का LED भी मिल जाएगा। ठीक है सोनी कंपनी का है। ठीक है माता जी से पूछते हैं, माता जी किस प्राइस देंगे? माता जी कितने का रहेगा ये? एक ही दाम 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये पड़ेगा भैया ये TV। ठीक है माता जी के एक ही दाम रहेगा 1500 का, 32 इंच का है, सोनी कंपनी का। ठीक है चालू है तो माता जी कह रहे हैं चालू है, बिल्कुल सही। अच्छा ये एडजस्टर भी मिल जाएगा माता जी, ये कितने पड़ेगा? ये 200 रुपये पड़ेगा। ठीक है अच्छा माता जी ये तो गाड़ी में लगता है वो है नहीं, ये कितने का है? 500 रुपये का। ठीक है इस तरह की आइटम रखते हैं आप, मिल जाएगी। और ये भी मिल जाएगा माता, ये टैब कितने की रहेंगी? टैब हाँ ये टैब भी मिल जाएगी एप्पल की, आप दे सकते हैं। ठीक है एप्पल की मिलेगी माता जी, कितने की मिलेगी ये? 800 रुपये भैया, मात्र 800 में आपको एप्पल की सही टैब मिल जाएंगी। देखो मात्र 800 रुपये के अंदर। और देखते हैं ये भी आपको मिल जाएंगी, एक ही प्राइस है 800 रुपये, इनमें से कोई सा भी ले आप। ठीक है तो इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये माता जी ये ग्राइंडर नहीं लस्सी बना लेना, ये कितने पड़ेगा? मात्र 100 रुपये का। तो भैया इस तरह की चीज़ें। और ये टेची मिल जाएगी माता, ये टेची कितने मिलेंगी? 1000 की। तो भैया इस तरह की अटैची है 1000 की, हमारी माता जी आपको यहाँ पे दे देंगी। अच्छा लगा मुझे तो इनका TV अच्छा लगा, और ये एप्पल का जो है ना ये अच्छा लगा। और देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट अंदर, इस तरह चलते हैं। और भाई हमें यहाँ पर इस तरह के फ़ोन देखने को मिले, फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन पता करते हैं किस किस प्राइस के। भाई जी किस किस प्राइस के रहेंगे फ़ोन जी? 2500 का कौन सा है? 7 प्राइम। अच्छा कितने जी रैम पे? 3/32 वाला है। ठीक है 2500 बताया ना आपने। और इसका भैया जी MI ये 3/32 है भी, ये कितने का रहेगा? MI Y2 कितने रहेगा? 2500 रुपये का। और भैया जी ये वाला 3/32 है, कंपनी कौन सी है? टेक्लो। ठीक है और ये वाला सैमसंग का? ये 3000 रुपये कौन सा रहेगा? ये A20 भाई सारे चालू हैं। ठीक है A20 रहेगा 3000 रुपये का। और ये भैया जी 2000 ये कौन सा है? 232 ये 2000 का रहेगा। इस तरह की रहेंगी आइटमें। ठीक है इस तरह कलेक्शन सारा चालू फोन है। और ये देखो भैया जी रेडमी ये कौन सा रहेगा? 3/32 कितने का भैया जी? 3000 रुपये का रहेगा। ठीक है इस तरह का है, सारे चालू फोन है और बढ़िया कंडीशन में। अच्छा लगा ये हमारे भैया जी यहाँ पे फोन बेचते हैं, अच्छा लगा, हाथ मिलाओ सी बात है। और आगे देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है इस मार्केट के अंदर। और भाई आपको यहाँ पे गिटार ही मिल जाएगा, माता जी से पता करते हैं। माता जी कितने का रहेगा गिटार जी? 500 रुपये का आपको ये गिटार मिल जाएगा। ठीक है और यहाँ पे आपको वॉच ही मिल जाती है माता जी, ये वॉच कितनी रहेंगी? हाँ 70 रुपये की वॉच मिल जाएगी माता जी। अच्छा ये टच कितनी रहेगी माता जी? 600 रुपये की टच रहेगी। पर मुझे वो अच्छा लगा जो गिटार है जो कि माता जी 500 रुपये बता रहे हैं। देखो काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई, चालू भी है इसमें, देखो ये लगा शायद तार तूर भी लगी हुई है। ठीक है तो ये मिल जाएगा आपको मात्र 500 रुपये का। और देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलता है इस मार्केट में। और भाई यहाँ हमें इस तरह कैमरा देखने को मिला जो काफ़ी यूनिक है, बहुत पहले चला करता था। भैया से पता करते हैं किस प्राइस का मिलेगा। सोनी कंपनी का कैमरा है भैया जी, कितने का रहेगा ये कैमरा? ये
ये भैया जी 1000 रुपये बता रहे हैं, इसे फ्लैश व्लैश सब कुछ है, ये काफ़ी पहले चला गया भैया, चालू है? चालू रहेगा भैया, ठीक है। इस तरह का कैमरा है, इसमें सेल लगेगा मात्र ये 1000 रुपये का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भैया जी कुछ बार्गेनिंग हो जाती है फाइनली बता रहे हैं आप, कुछ कम हो जाएगा इसके अंदर? कम तो हो जाता है, 100-150 कम हो जाएगा जब आप आओगे तो, अभी यहाँ कम भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा लगा मुझे कैमरा जो कि आपको 1000 मिल जाएगा सोनी का। और देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है इस मार्केट के अंदर। और भाई यहाँ आपको माइक्रोवेव भी मिल जाएगा, पता करते हैं। बहन जी कितने पड़ेगा माइक्रोवेव? 1000 रुपये का चालू रहेगा ये? 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा आपको चालू हर दो। ये प्रेस भी मिल जाएगी यहाँ पे आपको। बहन जी प्रेस कितनी रहेगी? कितने की? 150 रुपये प्रेस बता रहे हैं, ठीक है। अरे ये फिल्टर मिल जाएगा पानी का यार, ये कितने पड़ेगा यार? 1000 रुपये का ये 1000 रुपये पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का और ये कूलर ना बहन जी, ये कूलर कितने पड़ेगा? 1000 रुपये का। तो भैया मात्र 1000 रुपये का कूलर पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये तीनों ये चीज़ें हैं 1000-1000 की है, और ये जो है ये आपको मिल जाएंगी 150 की, ठीक है। इस तरह के आइटम है। और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है। यहाँ सीनरी मिल जाएगी बहन जी, सीनरी किस प्राइस लेंगी? 200 रुपये की है। तो भैया ये सारी 200 की है या एक है? एक 200 की है, ठीक है। इस तरह की आपको यहाँ पे आइटमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। और भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें वीडियो गेम देखने मिली, ठीक है। इस तरह का ये मिले, कैमरे कुमरे देखने मिले, बहुत सी चीज़ें भैया पता करते हैं। भैया जी कितने देंगे वीडियो गेम में? 400-500 में है। तो भैया ये भैया बता रहे हैं 400-500 रुपये में ये भैया आपको गेम मिल जाएगी, ठीक है। और भैया ये कैमरे कितने देंगे? 400-400 रुपये के भैया कैमरे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ चालू होते हैं कुछ बंद होते हैं, ठीक है। भैया लैपटॉप है ये कितने देंगे? 500 रुपये। चालू भी रहता है या ऐसे ही ख़राब है? तो भैया वो ख़राब है, ठीक है। और ये इसमें कैमरे जो है, जैसे सोनी का कैमरा है ये देखो, ठीक है। इनमें कुछ चालू भी होते हैं और कुछ बंद भी होते हैं। सोनी कंपनी के 2-3 कैमरे रखे इनके पास, ये देखो सोनी कंपनी का, ठीक है। और देखते हैं और क्या रखते हैं हमारे भैया। भैया जी घड़ियाँ कितनी पड़ेंगी? 50-50 रुपये घड़ी है, ठीक है। और भैया ये जो खेलने का, इसको क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड 100 रुपये का, ठीक है। और भैया फ़ोन भी रखते हैं? भैया फ़ोन कितने कितने देते हैं? 200-300 रुपये तक के फ़ोन है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे भैया आइटम रखते हैं। और भैया सिंगार बॉक्स भी रखे। भैया सिंगार बॉक्स कितने देंगे? खाली ऐसे ही 200 रुपये का। ओके ओके सर। अच्छा भैया 200 रुपये का सिंगार बॉक्स बता रहे हैं भैया, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखो ये सिंगार बॉक्स कितना बढ़िया लग रहा है। ओके ओके भी है। अच्छा इसमें ये रखा हुआ है। अच्छा तो भैया ये कितने देंगे? 50-50 रुपये के, ठीक है भैया। 50-50 रुपये आपको ओके मिल जाएंगे और ये 200 रुपये मिल जाएगा। और भैया ये टोस्टर है ना भैया, ये 100 रुपये का टोस्टर मिल जाएगा, ठीक है। और भैया ये म्यूजिक सिस्टम जो है ये भैया, ये म्यूजिक सिस्टम कितने पड़ेगा? 1000 रुपये का। क्या क्या आएगा उसमें? ये एक आएगा। तो भैया ये 1000 रुपये बता रहे हैं भैया, ठीक है। तो इस तरह की आइटम है हमारे भैया के पास। और देखते हैं हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट के अंदर। और भाई यहाँ देखो, यहाँ आपको पंखा मिल जाएगा, पंखा पता करते हैं। भैया पंखा कितने देंगे? 200-300-400। ये दो पंखे तो रखें, 400 रुपये के और छोटे वाला 200, ये 200 रुपये 400 रुपये। और ये भैया सिलेंडर भी रखा हुआ है उस तेरी। भैया सिलेंडर कितने पड़ेगा? गैस बहुत महंगी होगी, 200 रुपये का है, मतलब गैस बहुत महंगी होगी इसलिए हमने सिलेंडर निकाल दिया है। तो भैया 200 रुपये का खाली सिलेंडर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह की यहाँ भैया आइटम मिल जाएगी। देखते हैं आगे चलते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। भाई यहाँ आपको इस तरह का बाजा मिल जाएगा। भैया बाजा पता करते हैं। भैया जी बाजा कितने मिलेगा? कम से कम कितने पड़ेगा? कम से कम 1500 रुपये का बाजा मिल जाएगा पुराने टाइम के अंदर। भैया चलता है कि शोपीस है? अभी चलता भी है। हाँ भैया पुराने टाइम में यही चला करता था और बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत एंटी आइटम है, यानी कि ढूंढने से भी अब ये चीज़ मिलेगी नहीं, पर आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएगी। और भी भैया बहुत सी चीज़ें। भैया जी ये क्या चीज़ है? भाप लेने की मशीन है। भाप लेने की मशीन है। ये कितनी पड़ेगी भैया जी? 200 रुपये लेनी पड़ेगी। और भैया घुंघरू मिल जाएंगे। भैया जी घुंघरू कितने पड़ेंगे? 250 रुपये का पूरा सेट आएगा ना दो, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें भैया। भैया ये फैन कितने पड़ेगा? 400 रुपये का फैन पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का। और ये टोस्टर ना भैया, ये टोस्टर कितने पड़ेगा भैया जी? 400 रुपये का। कुछ कम भी हो जाएगा भैया फाइनल बता रहे हो? कम बढ़ते तो हो जाएगा। चलो 300 जैसे भी। चलो भैया, भैया कह रहे हैं जैसा भी आएगा लेके देंगे उसको, यानी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ठीक है भैया कहना है। तो इस तरह की हमारे भैया आइटम बेचते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। 10-5 रुपये की अच्छा ये बर्तन भी है, ये बर्तन ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
ये कटोरे कितने कितने की देंगे बहन जी? 20-20 रुपए की एक पीस, ठीक है। और ये गिलास, ये गिलास 20 रुपए का एक, तो भैया 20 रुपए। थालियाँ, थालियाँ जैसे कोई रेट में, बाकी अरे 5-10 रुपए में दे देते हैं। तो इस तरह की आपको यहाँ पे आइटम मिल जाएंगे, बर्तन मिल जाएंगे। ये टिफिन बॉक्स नहीं देंगे? ये 250 रुपये टिफिन बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह की आपको यहाँ पे आइटम देखने मिल जाएंगी। अच्छा लगा इस सब देख के, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। और भाई यहाँ आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी, साड़ियाँ पता करते हैं साड़ियाँ किस किस प्राइस की मिलेंगी। ये साड़ियाँ भी, सूट भी, भैया जी कितनी ली साड़ियाँ? 60 रुपये की साड़ी। अच्छा 60 रुपये के अंदर आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी। यहाँ कपड़े भी आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। 60 रुपये की साड़ी, और ये 100 वाली है, दो क्वालिटी है, 60 रुपये और 60 रुपये, 60 और 100। भैया सूट, सूट भी आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, देखो इस तरह का, ठीक है। 60 रुपये की साड़ी, 60 रुपये का सूट, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते रेटों पे सूट और साड़ी देखने को मिल जाती है। इनके बगल में बिल्कुल एक भैया जी हैं जो कि शर्ट बेचते हैं, शर्ट पता करते हैं। 100-100 रुपये की शर्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कपड़े भी आपको काफ़ी सस्ते रेटों पे देने में मिल जाते हैं। 150 की दो जोड़ी है, दो जोड़ी एक, अरे दो जोड़ी 150 की। अच्छा 150 की दो जोड़ी मिल जाएंगे, 75 रुपये होगी। और ये लोगे तो 50 में दे दूंगा सारा, कट्ठा लोगे 50 में दे देंगे। तो भैया ये भैया बैठे गुरुद्वारे के सामने, ठीक है। ये हमारे भैया जी हैं, ये 60 रुपये जो साड़ी बेचते हैं वो, ये दोनों भैया गुरुद्वारे के सामने बैठे हैं, आप आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है खास। और भाई यहाँ पे आपको शूज मिल जाएंगे एक ही लाइन के अंदर, भैया शूज की बहुत सारी दुकान है। यहाँ पता करते हैं शूज हमें किस किस प्राइस को देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ भी शूज है, वहाँ भी शूज है, इस लाइन में पूरे शूज ही शूज मिलेंगे आगे तक आपको। भैया से पता कर लेते हैं, भैया किस रेंज के शूज हैं? 300 रुपये और 400 रुपये, दो रेंज है भैया के पास, 300 रुपये और ये वाले 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये, 300 रुपये, दो रेंज है। और भी आगे शूज़ हैं, ये देखो यहाँ भी पता करते हैं। भैया ये भी आपका ही है? 500 रुपये। अच्छा वो 300, 400, 500 इस तरह के भैया ने लगा रखी है, ठीक है। ये देखो इस तरह का रहेगा, ये 500 का रहेगा, ठीक है। तीन क्वालिटी है भैया के पास, 300, 400, 500। और देखते हैं आगे, ये 500 रुपये बता रहे भाई, बोले भैया दुकानदार। तो भैया और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरह चलते हैं। और भाई मार्केट से हट के ना एक भाई यहाँ बैठे हैं, ये बेच रहे हैं भैया, और जींस बेच रहे हैं भैया, जींस पता करते हैं, जींस भी है कार्गो भी है। भैया जी किस किस प्राइस जींस है आपके पास? 500 की दो, तो भैया देंगे 500 रुपये की दो। भैया लेडीज़ है जेंट्स है? जेंट्स है भैया, जेंट्स की है, 500 रुपये की दो देंगे जेंट्स। भैया साइज सारा मिल जाएगा? अच्छा ये जो कार्गो वार्गो है ये, यही 500 की दो। तो भैया आप कुछ भी लें, जींस लें या कार्गो लें, आपको भैया 500 की दो देंगे। और आए और देखते हैं उधर चलते हैं जहाँ से हम आए, ये भैया मार्केट से बिल्कुल हटके बैठे, इधर देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है भाई इस मार्केट के अंदर। भाई एक भैया जींस बेच रहे, पता करते हैं भैया किसने की देंगे जींस? भाई साहब 250 का, 350 का, दो। अच्छा दो क्वालिटी है, 250, 350। और भैया टी शर्ट, ये टी शर्ट 100 रुपीज़, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये टी शर्ट, क्या बात है जी। भैया 250, 300 दो जींस है इनके पास, ठीक है। ये लेडीज है जेंट्स है? अरे यार अंग्रेजी बोल रहे हो भाई साहब, तो मिला बात इसी बात पे। तो भैया देंगे दो क्वालिटी, 250, 300 रुपये जींस। इससे बगल में भैया भैया 50-50 की आवाज़ लगा रहे थे, ठीक है। जोड़ा, 100 का जोड़ा, 100 का जोड़ा हाफ और फुल, यानी 50 की होगी ना, एक भी दे देंगे ना। तो भैया 50-50 से टी शर्ट हैं, ठीक है। टी शर्ट भी हैं और शॉर्ट्स भी हैं जो कि आपको 50 रुपये में देखने को मिल जाएंगी, सारी स्पोर्ट्स की हैं, ठीक है। इधर देखते हैं शॉर्ट्स, देखते हैं शॉर्ट्स कौन सी हैं। ये देखो शॉर्ट्स इस तरह की रहेंगी जो कि आपको 50 की मिल जाएंगी, शॉर्ट्स भी और टी शर्ट भी, दोनों आपको 50 की मिलती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।